लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों के द्वारा राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंदर जिस तरह से दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गई, जिस तरह से जयपुर के श्याम नगर इलाके में सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर के अंदर घुसकर उन्हें गोलियों से भून दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, उसके बाद दोस्तों अब कहा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी एक शूटर मारा गया। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है जिन लोगों ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी के ऊपर फायरिंग करा था उसमें से ही एक बदमाश जो की मारा गया। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी की हत्या करी गई, और सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खतरनाक गैंगस्टर रोहित गोदारा जिसने उसकी हत्या का जिम्मेदारी क्यों लिया, आज के इस वीडियो में एक-एक करके तमाम बातों का जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन इससे पहले आप सबों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आपको बता दूं दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से जिस तरह से एक बार पुनः राजस्थान के अंदर बड़ी वारदात को अंजाम दी गई, एक बार फिर से दोस्तों राजस्थान पुलिस का मानो कि इन लोगों ने नींद गायब कर दिया। आप सोच सकते हो दोस्तों, दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोलियों से भून दिया गया। लेकिन ये सब हुआ कैसे? आपको बता दूं 5 दिसंबर 2023 दिन मंगलवार, इसी दिन बताया जाता है दोस्तों सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर पर तीन आदमी आता है। वो तीनों आदमी सुखदेव सिंह गोगा मेडी के सिक्योरिटी गार्ड से परमिशन लेता है। गार्ड जो कि गोगा मेडी जी को कॉल करता है तो गार्ड बोलता है देखिए तीन आदमी आपसे मिलने आए हैं। तो सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी बोलते हैं ठीक है, उन तीनों को अंदर भेज दो। अब दोस्तों वो तीनों शूटर था, इस चीज की जानकारी किसी को नहीं थी, तीनों के बारे में किसी को भी मालूम नहीं था कि घर के अंदर जाने के बाद ये लोग गोली मार देगा। बताया जाता है दोस्तों वो तीनों आदमी सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर के अंदर आता है, उनसे बैठकर 10 मिनट तक बात करता है, और अचानक दोस्तों वो लोग अपने कमर से बंदूक निकालता है और सुखदेव सिंह गोगा मेडी के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देता है। बताया जाता है दोस्तों तकरीबन 17 से 18 राउंड गोलियां बरसाई जाती है। हालांकि 4 गोलियां सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी को लग जाती है और 4 गोली लगने से सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी वहीं पर मर जाते हैं। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि ये तीनों शूटर जो कि जब फायरिंग करने के बाद उसमें से एक शूटर मर कैसे गया? तो बताया जाता है दोस्तों सुखदेव सिंह गोगा मेडी के जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे उन लोगों ने भी क्रॉस फायरिंग करा, और क्रॉस फायरिंग में बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का एक खतरनाक गैंगस्टर जो कि रोहित गोदारा का करीबी था, जिसका नाम बताया जाता है नवीन सिंह शेखावत है, जो कि वहीं पर मारा गया। क्रॉस फायरिंग में नवीन सिंह शेखावत नाम के उस शूटर का मौत हो गया, और उसके मौत के बाद दोस्तों लोगों ने कहा कि अच्छा हुआ कि वो मर गया। तो सवाल यह आता है दोस्तों कि तीन शूटर में से एक शूटर तो मर गया, अब दो शूटर का क्या खबर है? तो आपको बता दूं दोस्तों जिस वक्त सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी को इन लोगों ने गोली मारने के बाद ये तीनों शूटर जो कि भाग रहा था, एक शूटर को तो सिक्योरिटी गार्ड ने ऐसे ही ठोक दिया, वो मर गया, जिसका नाम नवीन सिंह शेखावत बताया जाता था। और आपको बता दूं दो शूटर जिसने एक आदमी का स्कूटी छीनकर वहां से वो लोग फरार हो गया। तो आप सोच सकते हो दोस्तों ये लोग दिन दहाड़े घर के अंदर घुसकर फायरिंग करता है, और दिन दहाड़े फायरिंग ही नहीं करता बल्कि लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इस कांड के बाद एक बार पुनः लोगों ने राजस्थान पुलिस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। लोगों का यह कहना है दोस्तों कि आखिरकार इन बदमाशों को पुलिस वालों का डर क्यों नहीं होता? कहीं ना कहीं पुलिस वालों का भी गलती है। पुलिस वालों का गलती यही है कि पुलिस वाले बदमाशों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं। जब अच्छे से बदमाशों का कुटाई करेंगे तभी जाकर के ना पुलिस वालों का डर होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इस घटना के बाद बहुत ज्यादा विरोध जताया। बाकी आपको बता दूं सुखदेव सिंह गोगा मेडी जी का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आया है। जो भी जानकारियां निकलकर सामने आएगी मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला दोस्तों कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने में तीन लोग थे, और तीनों शूटरों में से एक शूटर जो कि मारा चला गया, दो शूटर अब तक फरार है, जिसमें से कहा जा रहा है दोस्तों उन दोनों शूटरों का भी पता लग चुका है कि वो लोग है कौन, क्योंकि ये जितना भी घटना हुआ ये पूरा का पूरा वारदात जो कि सीसीटीवी में कैद हो गया। अगर दोस्तों ये घटना सीसीटीवी में कैद नहीं होता तो शायद ये तीनों शूटर जो कि पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अच्छा था दोस्तों कि घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा था जो कि पूरा का पूरा घटना कैद कर लिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों सीसीटीवी जो कि पुलिस वालों को भी मदद करता है और अच्छा होता है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन आप सोच सकते हो दोस्तों इन बदमाशों को सीसीटीवी का भी डर नहीं था, तभी तो घर के अंदर इन लोगों ने देखा होगा कि कैमरा भी लगा है, लेकिन फिर भी इन लोगों ने फायरिंग कर दिया और उससे मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। बाकी अभी राजस्थान पुलिस यह पता लगा रही है कि रोहित गोदारा कहां है, और रोहित गोदारा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी करा जा चुका है। तो रोहित गोदारा अब तक दोस्तों पुलिस वालों के हत्थे नहीं चढ़ा है, लेकिन देखते हैं इस कांड के बाद राजस्थान पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या होता है होता है आगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ध्यान रखना, अपने परिवार वालों का ध्यान रखना। जय हिंद।